हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार एक बार फिर से जो है आपका एम एस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, देख रहे होंगे इससे पहले आपने ब्लॉग देखे मेरे, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा कट के या पूरी बात नहीं आ पा रही होगी। तो क्या है कि 1-1.5 महीना मैंने जो है अपना जो कैमरा था गोप्रो, वो ख़राब हो चुका था, और वो ऐसे जो है 1-1.5 महीना मैंने उसको एडजस्ट किया। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे को, और बहुत सबसे बात उसको जो है प्रोसेस के तहत जो है रिटर्न एंड रिप्लेस हो रहा है, उसकी वारंटी में था। तो फाइनली जो मेरा कैमरा है जो है सिंगापुर के लिए गया है और रवाना हो गया, अब जो है रिप्लेस होकर दूसरा आएगा। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैं बड़े टेंशन में था। तो इस वजह से जो आप देख रहे हैं ना वो ब्लॉग क्लियर भी नहीं आ रहे होंगे, और वहाँ पर कट कट के आ रहे, क्योंकि बार बार जो है कैमरा ऑफ हो जा रहा था या चार्जिंग मोड में चले जा रहा था। तो अभी उसकी वीडियो आई तो वो भी आएगी, अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आज मेरे पास जो है पुरानी वीडियो है, 1 साल पुरानी वीडियो। तो वो कैसे वीडियो बनाता था मैं उस टाइम पे, एक बनाया था, मुझे कुछ आता जाता नहीं था भाई, डिफ़ॉल्ट कैसे वीडियो बनाना है ये चीज़ें अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, फीडबैक लेते रहता हूँ मैं अपने दोस्तों से। तो ये है, अभी आप लोगों को देखिएगा कैसा लगता है, फिर बताइएगा कमेंट करके। यार अब मेरे को जो है बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 9-10 दिन और लगेंगे, मेरा कैमरा आ जाएगा, उसके बाद देखिए बस फिर आएंगे ब्लॉग। दोस्तों वो ब्लॉग ऐसे हैं कि यार डेली ब्लॉग तो देना है, फिर भी कुछ ना कुछ करूँगा। मोबाइल भी मेरा बहुत ख़राब हो चुका है, टूट फूट हो चुका है, फिर भी जो है इधर उधर से जो है एडजस्ट करके वीडियोज़ आएंगी। तो आप लोग देखिए वो वीडियोज़, ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार, आपका जो है MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम जो है एक नए टॉपिक के साथ फिर से यहाँ पर हम जुड़ चुके हैं। साथ हैं श्री नयन सिंह पवार जी, जो हमारे बुबू लगते हैं रिश्ते में। ये बुबू जी जो है ये क्या कहते हैं, झाड़ू बना रहे हैं, झाड़ू, एक जैसा रिंगाल होता है उसी टाइप का, ये दूसरा निगालो या जमुर ठहरा है, जमुर ये सब मतलब झाड़ू या जैसे पहले दिन मोटा मोट पकड़ा होता है, मोटा अच्छा, इसका बंसी बनता है, एक बंसी, अरे हाँ बांसुरी, बांसुरी वाला घास है, लगा लो। हाँ ये तो झाड़ू वाला खाली है ना, पतला, ये पतला उसके अच्छा, उसका बांसुरी भी बनता है, और जो तंबाकू पीने वाला नैली का है, नैली, अरे जो सूखने के लिए, हाँ मुँह में लगाने जो हक्का चिलम में जो मुँह में लगाने वाला होता है वो भी बनता है, बता रहे बाबरे, देखो वो भी बनता है उसका, और मठा घुमाने के लिए डंडा, हाँ खर खर वाले देख रखा आप लोगों ने, अभी बनता है उसका। अरे जुमरा का तो क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता है यार। तो भूजी अभी तो निगालो जैसा दिख रहा है, निगालो नहीं ठहरा यार, निगालो नहीं, निगालो रिंगा, इसकी जात अलग है। तो हाँ ये जो घास आता है इसके भी बहुत, ये सारा आखिरी केड़ा झाड़ू लगाने, केड़ा ये देखिए इधर जो है पूरा बिल इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, ये देखो इसके बाद ये झाड़ू लगा, झाड़ू जाएगा इसे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी भी जो है जंगल से लिखा है, ये देखो ये झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे अभी आप लोगों को, झाड़ू लगा के डेमो दिखाया जाएगा। पहाड़ में यही चलता है हमारा, मतलब ये तभी तो काम चलता है ना इससे, आप हम खरीद के कहा, हमारे पास पैसे कहाँ है, पैसे भी नहीं ठहरे ना जो है, आप यार झाड़ू लगाने की भी और हर एक चीज के लीजिए, और मतलब उतना पैसा कहाँ है, हमारे बेरोजगारी आदमी ठहरे, हम तो रोजगारी होता और झाड़ू लादा खरीद के बाजार से, और हमारे पास पैसे पांसे भी नहीं था, बेरोजगार आदमी ठहरा, कहीं रोजी भी कुछ नहीं ठहरा, सरकार तो रोजी नहीं देता यहाँ, कहाँ से होता है रोजी, मतलब बेरोजगार आदमी ठहरा, ऐसे ही आपने काम चलाओ ठहरा हमारा ये। तो ये भी बहुत बढ़िया, देख घर का ही झाड़ू है, आलो बूजी देखो इसको झाड़ने के लिए अपने जो आंगन झाड़ते हैं, जैसे ये झाड़ू और अल्दवानी में जाएगा, दिल्ली में जाएगा, ज्यादा इसकी कीमत तो 100 रुपए होगा, एक झाड़ू का कीमत ज्यादा होगा, ये तो बढ़िया सब साफ करेगा। अच्छा यहाँ हमारा ये अपना हाथ से जंगल से लाता हूँ, जंगल से लाके बनाता हूँ झाड़ू, और मतलब हमारे यहाँ फ्री ठहरा ये, तो अपना काम चलाओ ठहरे। तो बुजी ने देखो इतना बना रहे हैं, अभी देखो इसको जो टाइट कर रहे हैं, जो निगालो का जो छिलके देखे इसमें ये चीज है। तो बुजी यार ये और क्या क्या बनता है इसका, जुमरा और कितने प्रकार का निगालो होता है, ये घास होता है, घास ही बोलता है बम्बू, ये तो आपने बोला ये जुमुर, जुमुर ये इसका बनता है तेरा, मैंने कहा ये बासली, बासली होता है ये तो इसका, हाँ जुमरा जो मोटा वाला डंडा था बांसुरी बनते बताते, इसका बता रहे कि बांसुरी जो बजाते आप लोगों ने देखा होगा, इसे बांसुरी मूवमेंट लगा के बासली भी होता है इसका, दूसरा मतलब तंबाकू पीने वाला नैली भी होता है, हाँ तंबाकू पीने के लिए जो चिलम में नली लगता है डंडा नीचे से, आप लोगों ने अगर का चिलम देखा होगा तो इससे नीचे डंडे से ऊपर को सांस लेने के लिए, क्यों बनता है, और
हाँ, उसके बाद जो मठा घुमाना है, मठा घुमाना है, मोटा वाला डंडा, जुमरा डंडा बोलते जुमरा, हाँ ऐसे करके मतलब हाँ मठे को मतने के लिए जो ऐसा बनाया जाता है उस टाइम पे, एक डंडा होता है खड़ा करके भी बनता है। घास कितने टाइप का होता है? मुझे निगाह निगाह मतलब ये वो होता है मतलब गजना गजना ठहरा ये और दूसरा और इसी घास का देखो आप लोग कितना काम आता है। दूसरे टाइप का जो निगाल होता है उसका जो मोस्टा चटाई या डोका होगा ये सब बनाते हैं बबूजी हमारे। वो है ना क्या कहते हैं मतलब गजना गजना का डोका बनता है और डोका होता बना गोबर वोबर खाने के लिए और जंगल जंगल से वो लाया मतलब क्या कहते हैं ये पास पचला मतलब गाय के नीचे पत्तियां बिछाने के लिए गाय के नीचे बिछाने के लिए गाय के बिछाने के लिए बिछाने के लिए वो लाते हैं हम लोग। और मतलब जो ये निंगालो होता है निंगालो का क्या बनता है चटाई मोस्टा चटाई होगा मोस्टा जिसमें अनाज सुखाते हैं बड़ा सा आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा दिया गया मोस्टा भी बनता है और छोटा छोटा भाड़ कहते हैं हम भाड़ भी बनता है। फल मेले में अरे उस समय तो मतलब कोई नहीं ठहरा फल मेले में ले जाते थे हम तो यहाँ से आप लोगों ने देखा थल मेला बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला होता था हमारे गांव से जाते थे थल मेले में ले जाके मोस्टा हो गया सूप हो गए ये डोका हो गया वहाँ बेचने जाते थे। मतलब कहाँ कीमत कहाँ होती थी उसमें कीमत तो ऐसे ही ठहरा 50-20 में हो गया तो बहुत ऊने वाला ठहरा उसमें हम सोचने वाला ठहरा। अच्छा आप कहाँ है यार बुबू उतना अब तो एक चटाई बनाने में कितना तेरा सुहरने में लगेगा जंगल जाने में हाँ ये जैसे देखो ये सुहा पुतर जैसे इसका बुजी झाड़ को बात रहे देखो इसी को जो है निंगालो का काट के देखो इसे साइड से स्टिक बना रहे अभी आपको डेमो भी दिखाया जाएगा झाड़ झाड़ लगा के दिखाएंगे आप सर वो बनाने में और चटाई बनाने में कितना दिन लग जाएगा रोज कहाँ पड़ता है। अच्छा एक मोस्टा जब हम बिगेंगे एक मोस्टा बिगे आप रोज के हिसाब से लगाते हैं और वो तो 3,000 से लीजिएगा 3,000-8,000 में बैठेगा 500-600 रोज ही आजकल। अरे हाँ। अच्छा मतलब क्या उसमें तो कुछ पड़ता ही नहीं एक मोट बाउ में कभी दिन लगा चार पाँच दिन तो उसका हाँ जैसे निगालू का डंडा होता है इसको निकालने में चार पाँच दिन का मोस्ट के लिए निकालने के लिए हो गया चार पुत्रा चार पाँच दिन बूंदने में लगेगा चटाई। अच्छा क्या रोज जैसे 9-10 दिन लगेगा 10 दिन का हिसाब से दस दिन लगेगा 10 दिन का क्या कितना होगा 500 के हिसाब से लगा लो कितना होता वो होता है सीधा गया आप लोगों का क्या कहते हैं 1550 सीधा 5,000 रुपया 5,000 कौन दे रहा 5,000 उसमें कुछ नहीं पड़ता है मतलब आजकल हम कुछ ये चीज का कार्य ही नहीं करते ये कार्य छोड़ दिया हमने अपने घर के लिए बनाते हैं हम बस और कुछ नहीं कार्य छोड़ दिया आप बिगने में हमें फायदा कुछ नहीं है तो हम क्यों बनाएंगे उसको उसी बोला बाजार से चटाई खरीद के प्लास्टिक का और वो प्लास्टिक वो बिछा के वो ना वो क्या कहते हैं वो राशन नहीं सूखता है। तो बूजी का कहने का मतलब है जब से मार्केट आया क्या कहते हैं पूजी आता है उसने क्या किया मार्केट में ऐसे चाइनीज सामान वगैरह ये चीज सस्ते में उतार देता था तो अब यहाँ के जो हमारे जो होम मेड है हैंडमेड क्राफ्ट जो बनाते घरेलू तो उनको जो बनाने वाले जो कर्मचारी हैं या जो भी है मतलब ये घरेलू काम करने वाले हमारे बूजी उनको कुछ रोजी मिलती नहीं है इसलिए इस चीज का काम बनाते नहीं है ये है मेन चीज ये बताते आप छोड़ दिया करें जैसे कि आप लोगों को डेमो दिखाया जाएगा ये झाड़ू है बना रहे हैं अभी भी बूजी बहुत सारे इसको अभी झाड़ू लगा के घर पर दिखाते जो ये बूजी ने अभी जो है इसको एक झाड़ू बनाया जो हमारे पहाड़ी में बोलते हैं क्योड़ जो ये आंगन है पूरा घर के आगे का ये आंगन झाड़ने के लिए देखो इसको झाड़ने के लिए एक बेहतरीन होता है देखो सारा मिट्टी हटाएगा ये देखो ये खासी कंफर्टेबल भी है जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ डेमो टाइप में ये देखिए ऐसे करके झाड़ने के लिए बनाया जाता है देखो इस वाले एरिया में जहाँ जहाँ मैंने झाड़ लगा दिया बहुत साफ एरिया है ये देखो। तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि जो घास बोलते हैं उसको इसको बम्बू जैसे हो गया रिंगाल जो निंगाल हो गया निंगाल की दूसरी वरायटी जो हमारे गांव में बोलते जुमरा बोला बुबने देखो लाइक कर सकते हैं और क्या कहते हैं इसमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो आप कमेंट कर सकते हैं और आप नए व्यूअर हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब भी हमारे चैनल कर सकते हैं।